आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। सो टुडे टॉपिक इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और ये साइकिल के अंदर फोर कंपोनेंट है, उसमें से पहला कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड एक्सपेंशन वॉल्व एंड फोर्थ इवेपोरेटर। सो ये जो डायग्राम है, दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीसीआर सिस्टम या वीसीआर साइकिल। इसमें कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड एक्सपेंशन वॉल्व, फोर्थ इवेपोरेटर। तो हर डिवाइस का एक पर्टिकुलर फंक्शन है ये सिस्टम है। जो फर्स्ट डिवाइस है कंप्रेसर है, और कंप्रेसर का जो फंक्शन रहेगा टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। जो वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम यहाँ पे कंप्रेसर करेगा। सो सेकंड डिवाइस है कंडेंसर। कंडेंसर का यहाँ पे जो काम है वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे कंडेंसर करेगा। एक्सपेंशन वॉल्व दिया है, तो ये हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम एक्सपेंशन या थ्रॉटल वॉल्व करेगा। और इसका दूसरा ही फंक्शन है कि जो भी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है थ्रू द इवेपोरेटर उसको ये कंट्रोल करने का काम ये भी एक्सपेंशन वॉल्व करेगा। और इवेपोरेटर का जो काम है या ये पर्टिकुलर ये डिवाइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट यहाँ मिलेगा। तो जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाएगा या थ्रू दी कॉइल्स ऑफ इवेपोरेटर पास हो जाएगा, तो ये अब्सॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम दी सब्सटेंसेस या जो भी मीडियम है यहाँ का हीट अब्सॉर्ब करके यहाँ कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ वर्क मिलेगा, वर्क इन द टर्म्स ऑफ कूलिंग, जो डिजायर्ड रिजल्ट था यहाँ डिजायर्ड यहाँ मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सो वी कैन स्टार्ट या वीसीआर साइकिल का जो वर्किंग है या ये वीसीआर साइकिल कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। तो जो कंप्रेसर का इनलेट है और कंप्रेसर का आउटलेट है, यहाँ कंप्रेसर का इनलेट यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट 2 दिखा रहा है। तो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर इन कंप्रेसर, जैसा कि लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट ये इवेपोरेटर को लीव करेगा और कंप्रेसर के अंदर इंटर करेगा। सो कंप्रेसर में आपको पता है कंप्रेसर में इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यहाँ इंक्रीज होगा और एग्जिस्ट पे मिलेगा हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। तो इसमें प्रेशर तो बढ़ेगा और टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीज होगा। तो इनलेट पे था लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट और यहाँ एग्जिस्ट पे जो कंप्रेसर का एग्जिस्ट पॉइंट है यहाँ मिलेगा हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। सो दिस हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर इन द कॉइल्स ऑफ कंडेंसर, जैसे ही ये हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा इन द कंडेंसर, जो कि कंडेंसर के जो भी कॉइल्स है ट्यूब्स है यहाँ ये रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा। सो यहाँ जो कॉइल्स है या जो ट्यूब्स है इसके आजू बाजू में इसके अराउंड एक रहेगा कूलिंग मीडियम। ये कूलिंग मीडियम एयर भी रह सकता है या वाटर भी रह सकता है। अगर जो वाला ये हीट रिजेक्ट करेगा टू दी कूलिंग मीडियम, कूलिंग मीडियम को अगर हीट रिजेक्ट करेगा तो इसका जो फेज है हाई प्रेशर जो वेपर था वेपर से कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ भी एग्जिस्ट पॉइंट पे हाई प्रेशर है। तो 2-3 प्रोसेस को बोलेंगे रिजेक्शन ऑफ हीट बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये 2-3 प्रोसेस है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से जो फेज है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रेशर है जो इनलेट पे था कंडेंसर का जो इनलेट पॉइंट था यहाँ भी हाई प्रेशर था और जो आउटलेट है यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस में पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट का क्या होता है जो फेज चेंज होता है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में ड्रॉप आती है। जो टू थ्री जो प्रोसेस है ये रहेगा तुम्हारा रिजेक्शन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो 2-3 इज रेडिएशन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जो 0.3 है ये कंडेंसर का एग्जिस्ट पॉइंट है और एक्सपेंशन वॉल्व या थ्रॉटल वॉल्व का इनलेट पॉइंट है। तो ये पॉइंट के ऊपर रेफ्रिजरेंट का जो कंडीशन था ये हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जैसा ही हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास टू द एक्सपेंशन वॉल्व या प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व या थ्रॉटल वॉल्व, तो यहाँ पे इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ मिलेगा लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जैसा ये पास होता है थ्रू दिस एक्सपेंशन वॉल यहाँ पे उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट इन वेपर फॉर्म ड्यू टू थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे
थोड़ा लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है ये वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो एट पॉइंट फोर वी गेट लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे थोड़ा वेपर भी रहेगा। सो दिस लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास थ्रू दी कॉइल्स ऑफ इवेपरेटर, जैसा ही ये लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास हो जाएगा थ्रू दी इवेपरेटर कॉइल, तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर कम है दैन दी जो स्पेस है या जो भी अराउंड स्पेस है जो कॉइल्स का या इवेपरेटर का जो स्पेस है इसके आजू बाजू में जो भी जो स्पेस या जो भी सब्सटेंस रखा है या जिसका टेम्परेचर ड्रॉप करना है, तो ये स्पेस का या सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा दैन दी रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है थ्रू दी कॉइल्स ऑफ इवेपरेटर ये अब्जॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम दी स्पेस, जो स्पेस है या जो भी सब्सटेंस रखा है इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द रेफ्रिजरेंट। जैसे ही ये हीट अब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का बढ़ेगा, सो दैट लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था यहाँ बन जाएगा। सो इवेपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा था ये लिक्विड फॉर्म में था और आउटलेट पे ये वेपर फॉर्म में, तो ये जब यहाँ से पास हो रहा था तो ये अब्जॉर्ब कर रहा था हीट फ्रॉम दी जो सिस्टम है जिसका टेम्परेचर कम करना है या जो भी सब्सटेंस यहाँ रखा है यहाँ का टेम्परेचर कम करना है, तो ये जो सिस्टम था ये जो सब्सटेंस था इसका टेम्परेचर ज़्यादा था दैन दी रेफ्रिजरेंट विच इज क्लोज टू दी पाइप्स या कॉइल्स। अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो भी हीट है जो सिस्टम का हीट है या सब्सटेंस का हीट है उसका जो हीट अब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट का जो फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से वेफर में, तो इसी को बोलेंगे लैटिन हीट ऑफ वेफराइजेशन। सो ये जो फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से वेफर में हो रहा है तो इसी को बोलेंगे लैटिन हीट ऑफ वेफराइजेशन। और कंडेंसर में था कि इनिशियली ये वेफर फॉर्म में था और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में मिला था, तो ये रिजेक्शन ऑफ हीट, जब हीट रिजेक्ट करेंगे तब बोलेंगे लैटिन हीट ऑफ कंडेंसेशन, और यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लैटिन हीट ऑफ वेफराइजेशन। हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब लिक्विड से वेफर फॉर्म में जा रहे हैं तो लैटिन हीट ऑफ वेफराइजेशन, और यहाँ पे जो वेफर फॉर्म का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड फॉर्म में बाय रिजेक्टिंग हीट टू दी कंडेंसिंग या कूलिंग मीडियम, तो इसी को बोलेंगे लैटिन हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे एक फेज चेंज है जो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, हाई प्रेशर जो हाई प्रेशर वेफर रेफ्रिजरेंट था यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पे लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पे लो प्रेशर वेफर रेफ्रिजरेंट है, तो दोनों डिवाइस पे फेज चेंज होता है बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये पर्टिकुलर साइकिल में या सिस्टम में जो आउटपुट है आउटपुट मिलेगा इवेपरेटर में, क्योंकि यहाँ हीट अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो भी सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप करना है या कम करना है या कूलिंग प्रोड्यूस करना है या जो भी स्पेस है उसका टेम्परेचर कम करना है, तो इवेपरेटर में क्या होगा कि जैसा ही पहले बोला कि जो रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर कम रहेगा दैन दी स्पेस या जो भी सिस्टम का टेम्परेचर कम करना है उससे टेम्परेचर ये रेफ्रिजरेंट का कम रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बनेगा हीट एक्शंस। तो हीट एक्शंस कैसा होगा, जो रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर कम है दैन दी स्पेस या सिस्टम जिसका टेम्परेचर कम करना है, तो हीट अब्जॉर्ब करेगा दिस रेफ्रिजरेंट फ्रॉम दी सब्सटेंस या सिस्टम या स्पेस, तो ये स्पेस या सिस्टम ये बनेगा कूल, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ इट फ्रॉम दी सिस्टम ये बनेगा वेफर के फॉर्म में, इनिशियली था या इनलेट पे था लिक्विड के फॉर्म में और यहाँ मिलेगा वेफर के फॉर्म में, और जो कूलिंग इफेक्ट है जो आरी इफेक्ट है ये मिलेगा ये सेक्शन में, तो जो आउटपुट है पूरे सिस्टम का या आउटपुट है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना या कूलिंग प्रोड्यूस करना, तो ये पूरा विशार साइकिल का वर्किंग था, विशार साइकिल का ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। सो यहाँ पर पूरा जो वर्किंग है विशार साइकिल का ये दिया है, तो फर्स्ट प्रोसेस था कंप्रेशन, सेकंड कंडेंसेशन, थर्ड प्रोसेस था थ्रॉटलिंग एंड एक्सपेंशन, एंड फोर्थ प्रोसेस था इवेपरेशन। तो आपको अगर डायरेक्टली लिखना है तो यहाँ से इसका पूरा जो वर्किंग है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। तो ये पहला प्रोसेस था कंप्रेशन, दूसरा कंडेंसेशन, और थर्ड था थ्रॉटलिंग एंड एक्सपेंशन, एंड फोर्थ था इवेपरेशन। तो आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ थोड़ा फार भी इसमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ये मेरा चैनल जो जीपी स्टडी सेंटर है वो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को लेके मिलते हैं। थैंक यू।